इस घर के मर्दों की आदत है, दिल से किए हुए वादे तोड़ते ही नहीं भूल भी जाते हैं। मैं तो कहती हूं मोरे, इसकी किताबें लो और जोक दो, आंडी चूल्हा कराओ। रजस्ता का है, उसने खाना नहीं खाना क्या? वो कहती है कि भूख नहीं है, सारी सारी रात जागते। इम्तिहान में पास हो गया ना तो माँ बाप याद आता होगा। आपसे किसने कहा कि वो माँ बाप को याद करता है? उसने तो शुक्र अदा किया है, सर पे कोई है ही नहीं जो उसको रोके टोके समझाए। दाजी की सर चढ़ी है। हाँ सर चढ़ी है, क्योंकि वो मेरे मरहूम भाई, मेरे जिगर का टुकड़ा दिलावर खान, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसकी आखिरी निशानी है। और मैंने उसको वह दिया था कि मैं उसकी गुले को कभी रोने नहीं दूंगा। मर्द के बच्चे का है था सैफ खान कैसे तोड़ते। दाजी अहद आपने लिया था, कातिलों ने नहीं। लड़के उठ जाओ, देख के आओ उसको, उनसे बुलाओ के आके सबके साथ बैठ के रोटी खाए। भाभी बैठो, बैठने नहीं आई हूँ, पूछने आई हूँ। ऐसा क्या कर दिया था मैंने कि सारा घर बेकल हो गया? क्या मतलब, मैं समझी नहीं, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। तुम्हारे कहने की जरूरत ही क्या पड़ती है, तुम्हारे तो अंदाज की जुबान बहुत कटीली है कजस्ता। उठो, अब दादी बुला रहे हैं, चाहो तो दादी से मेरी शिकायत भी कर देना, उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि बीवी बदले की ही सही लेकिन अपने मर्द पर दूसरी औरत के साए से भी डरती है। अब आ जाना, कहीं अमरूज लाला के बुलाने का इंतजार करती रहो।